अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवा रहा हूँ लेसन नंबर 4 एन एग्जीबिशन की एक्सरसाइज सी, जो है फिल इन द ब्लैंक विद ऑपोजिट ऑफ द वर्ड अंडरलाइन। हमें एक लाइन दी गई है, उसमें एक खास वर्ड है जो अंडरलाइन हुआ है, उसका हमने ऑपोजिट जो है वो दूसरी ब्लैंक में लिखना है। तो ये आसान सी एक्सरसाइज है वर्ड ऑपोजिट की। सबसे पहली जो हमें उसने लाइन दी है, ही वॉज डैश वेन हिज कज़न केम बट सॉरी वेन ही लेफ्ट। सॉरी का ऑपोजिट क्या होता है? सॉरी का मतलब उदास होता है, इसका ऑपोजिट होता है हैप्पी। तो इस तरह हैप्पी आ जाएगा पहली ब्लैंक में। दूसरी ब्लैंक में है, फादर विल सेल हिज ओल्ड कार एंड डैश ए न्यू वन। सेल का ऑपोजिट आ जाएगा बाय। थर्ड ब्लैंक में है, ही टाइड द डैश लेंथ ऑफ द कॉर्ड टू द लॉन्ग वन। लॉन्ग अंडरलाइन है तो लॉन्ग का ऑपोजिट आ जाएगा स्मॉल। डैश पहली डैश में ब्लैंक में। उसके बाद लाइन 4 में है, द गर्ल्स वर क्वाइट इन द स्कूल बट वेरी डैश आउटसाइड। क्वाइट क्या होता है? क्वाइट होता है खामोश, तो या जो जहाँ शोर ना हो खामोश हो, तो उसको ऑपोजिट क्या होगा? नॉइजी या लाउड। उसके बाद लाइन 5 में हमसे पूछा गया है, 5 years ago he was dashed but now he is very rich. Rich का opposite क्या होता है? Rich का opposite होता है poor. तो इस blank में हम poor लिख देंगे। Line 6 में हमसे उसने पूछा, my watch was 5 minutes fast yesterday but it is dash today. तो fast का opposite क्या होता है? Fast का opposite होता है slow. तो यहाँ हम लिख देंगे स्लो। फिर 7th लाइन में वो हमसे पूछ रहा है, इफ़ यू डैश योर टॉय नो बॉडी विल बी एबल टू मेंड इट। मेंड क्या होता है? मेंड होता है ठीक करना, जोड़ना, मुरम्मत करना। तो मेंड का ऑपोजिट क्या होगा? ब्रेक। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम अपनी ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हम वर्ड्स के ऑपोजिट इस तरह ब्लैंक्स में लिखेंगे।